आपका खबर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हजारीबाग के पिलावल थाना क्षेत्र के होटल में छापेमारी हुई है। होटल में परीक्षार्थी ठहरे हुए थे। सभी परीक्षार्थी बिहार के रहने वाले हैं। जेपीएससी की होने वाली परीक्षा को देखते हुए छापेमारी की गई है। 40 से 50 परीक्षार्थियों से पूछताछ की जा रही है। जेपीएससी पेपर लीक का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर छापेमारी की गई है। 40 से 50 परीक्षार्थियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 17 मार्च को जेपीएससी की परीक्षा होने वाली है और इसी बीच ये खबर है कि हजारीबाग के पिलावल थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी की गई है। होटल में ठहरे हुए थे परीक्षार्थी, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए राहुल, जिस तरह हजारीबाग के टोल टैक्स जहां वसूली होती है, उसके जस्ट बगल में 3 बसें जो बिहार से आई हुई थी उनको खाली पाया गया और पुलिस को उसी समय कुछ शंका लगी, जिसके छानबीन के बाद पता चला कि इसमें बच्चे सवार होकर आए थे, जो उन्हें एक जगह ले जाया गया है और उनके ही निशानदेही पर जिस थाना क्षेत्र में यह लोग पहुंचे, वहां जाकर जब पाया गया कि एक वेंकट हॉल है जिसके अंदर की परीक्षार्थियों को बैठाकर कुछ प्रश्न पत्र हल करवाए जा रहे थे, पूरे मामले को संदिग्ध देखते हुए पुलिस ने तत्काल जो वहां लोग उपस्थित थे उन्हें हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। जी अच्छा यादवेंद्र, ये जो 50 करीब परीक्षार्थी बताए जा रहे हैं, ये परीक्षा देने ही आए हैं? जी अभी पूछताछ चल रही है और आशंका यही जताई जा रही है कि ये सभी लोग जेपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है इतवार को, संडे को, उसी में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं। जी चलिए ठीक है यादवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि हजारीबाग के पिलावल थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि एक बैंक्वेट हॉल में 40 से 50 परीक्षार्थी ठहरे हुए हैं और इसी सूचना पर जेपीएससी पेपर लीक से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। इसी शक में कि कहीं फिर से कोई ऐसी घटना न घटे, इसको लेकर छापेमारी की गई है। फिलहाल पूछताछ जारी है, हालांकि कुछ देर के बाद स्थिति सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग जेल में छापेमारी हुई है। लोकनायक